लोग धोखा क्यों देते हैं। मेरे एक मित्र ने व्हाट्सएप पर मुझे एक छोटा सा मैसेज लिखकर ये बात पूछी है और किसी बात से वो मायूस हैं किसी संबंधों को लेकर के, जिसमें उन्होंने इंदीवर साहब की एक सुंदर सी पोएट्री की कुछ लाइनें लिखी हैं। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुंह को मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेंगे। तो ये धोखा है क्या और ये ऐसी क्या चीज़ है, ये क्या सिफत है कि भगवान तक को दिया जा सकता है। भारतीय वांग्मय में और पुराणों में एक कहानी है, बहुत ही मौजू है, वो है भस्मासुर की। भस्मासुर शिव जी का भक्त था और काफ़ी उपासना और तपस्या करने के बाद उसने शिव को प्रसन्न कर लिया। अब शिव बेचारे तो वैसे भी अवधारदानी, ऐसा कहते हैं भोलेनाथ, कोई भी आदमी थोड़ी स्तुति और प्रशंसा कर दे तो प्रसन्न हो जाते हैं। मैं उन्होंने कहा भाई वर मांगो। उसने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिस व्यक्ति के सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए जलकर। शिव जी ने कहा यो मस्त, ऐसा ही हो। अब ऐसा कहकर जैसे ही वो मुड़े, भस्मासुर उनके पीछे हो लिया। अब वो उन्हीं के सर पर हाथ रखना चाहता था, उन्हीं के सर पर जिसकी आराधना करता था, जिससे वरदान प्राप्त किया था, उन्हीं के हथियार का उन्हीं पर इस्तेमाल क्यों। भस्मासुर को यह लगता था कि शिव तो वैसे ही तपस्वी हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, नंग धड़ंग एक मृगशाला लपेट के ऐसे रहते हैं, और उनके साथ एक इतनी सुंदर पत्नी उनकी है पार्वती, आखिर ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे संभव है, ये ठीक नहीं है, ऐसी सुंदर स्त्री को तो मेरे साथ होना चाहिए, भस्मासुर के साथ। और फिर इसी प्रयास में उसने ये तपस्या की थी और वरदान पाते ही शिवजी के पीछे पड़ गया। अब आगे आगे शिवजी और पीछे पीछे भस्मासुर, अब क्या हो। जब श्री विष्णु ने देखा तो उन्हें लगा कि तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सुंदर स्त्री का मोहिनी रूप धारण किया और डायरेक्ट बीच में उतर गए। अब जैसे ही भस्मासुर ने देखा कि अरे इतनी सुंदर स्त्री, वो ठिठक कर रुक गया। विष्णु ने कहा कि अब तुम ऐसे व्यक्ति को जिसका घर परिवार कुछ है नहीं खास, उसके पीछे भागते चले जा रहे हो और मेरी जैसी सुंदर स्त्री के प्रति तुम ऐसी बेरुखी क्यों दिखा रहे हो। उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, आप तो बहुत सुंदर हैं। अब उसके मन में वो बात पैदा हो गई कि सुंदर स्त्री चाहे वो हो चाहे ये, क्या फ़र्क पड़ता है, स्त्री तो सुंदर ही है। विष्णु ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि मुझे नृत्य की आदत है, मैं बहुत अच्छा नृत्य करती हूँ और जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे जब तुम करोगे तभी मैं तुम पर मोहित होंगी या मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। उसने कहा अरे डांस करने में क्या जाता है भाई, आप बताइए स्टेप बताइए, मैं करता हूँ। और विष्णु ने जब वो मोहिनी रूप ने जब डांस करना शुरू किया तो इतना विभोर हो गया भस्मासुर के, लगातार डांस करता जा रहा था वो, जब हाथ इधर रखते थे तो इधर रखता था, उधर रखती थी तो उधर रखता था, मतलब पूरे एक्शन करता जा रहा था। जब बहुत मस्त हो गया तो विष्णु ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पर रखा वैसे ही जलकर भस्म हो गया। अब ये कहानी बड़ी मौजू है, ये कहानी एक बड़ा गहरा मेटाफर है ये समझने के लिए कि जीवन में आप समाज में कैसे जीते हैं। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति का उपयोग किया, उनकी आराधना की, उनकी पूजा किया और उनसे वो शस्त्र प्राप्त किया, वो अस्त्र प्राप्त किया या सुविधाएं प्राप्त की, जो आप कह सकते हैं। और जब वो उसको मिल गया तो उसी के खिलाफ उसने उसका उपयोग शुरू किया। तो जब कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा भक्ति दिखाए तो सतर्क हो जाना चाहिए, इसके पीछे जरूर उसकी कोई मंशा होगी या अल्टीरियर मोटिव्स हो सकता है। और ये भी आप देखें कि जिसने वरदान दिया उसी को उसने धोखा दिया भस्मासुर ने, जिसने उपकार किया उसी के खिलाफ हो गया, ये है प्रवृत्ति। और फिर क्या देखते हैं आप देखते हैं कि जो ईश्वर है जिसको शास्त्रों में माना जाता है विष्णु को कि वो पालन हार हैं इस दुनिया के, उनको मोहिनी रूप धर के
शिव को बचाना पड़ता है। तो उन्होंने भी तो भस्मासुर को धोखा दिया ना, मोहिनी रूप धर के। आप कहेंगे भाई अब धोखेबाज को धोखा दिया तो क्या गलत किया? निश्चित रूप से ऐसी ही है दुनिया, ऐसे ही लॉजिक से हम चीज़ों को देखते और समझते हैं। ऐसे ही हम जानते हैं कि जब कोई हमारे लिए बहुत अच्छा करता है, अगर उसने किसी के साथ धोखा भी किया हो तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, और जब वो हमारे खिलाफ होता है तो चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा हो हम उसे पसंद नहीं करते और ये शिकायत करते रहते हैं कि भाई दुनिया वाले तेरा बन के तेरा ही दिल तोड़ेंगे। तो ये धोखे की प्रवृत्ति हमारे अंदर है क्यों? अगर इवोल्यूशन का सहारा लें, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का सहारा लें, तो हमें पता चलता है कि प्रिमिटिव एज में जब हम आदिमानव के रूप में थे तो हम प्रकृति की शक्तियों से लगातार संघर्ष कर रहे थे। हमें शिकार करना पड़ता था और इस आपाधापी में दुनिया भर के चीज़ें हमको करनी पड़ती थी। ऐसे में दो प्रवृत्तियों का हमारे अंदर विकास हुआ, एक तो कोऑपरेशन सहयोग और दूसरा बिट्रेयल धोखा देने की प्रवृत्ति। ये कैसे? उस समय के लोग जब शिकार पर जाते थे तो अकेले शिकार करना बड़ा मुश्किल होता था, तो एक हुजूम को एक टोली बनाकर जाते थे। ये टोली बनाना क्या है? सहयोग करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। और फिर करते क्या थे? धीरे धीरे उस जानवर को जिसका शिकार करना पड़ता था, उसमें बड़े खतरनाक जानवर भी होते थे, तो उनके शिकार के लिए उनको शिकार को धोखा देना होता था। कुछ लोग उधर से आ रहे हैं तेज़ी से आवाज़ करते हुए, कुछ पीटते हुए, अब शिकार जो था उधर से भाग के इधर आता था और इधर शिकारी अपना मिशन लेके बैठा और काम हो तमाम हो गया। तो ये धोखा देने की प्रवृत्ति एक तरह से जीवन जीने की प्रवृत्ति। हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस समय से सहयोग करना भी सीख रहे थे और ज़रूरत पड़ने पर धोखा देना भी सीख रहे थे। फिर वो दुनिया भर के जो संघर्ष हुए, दुनिया भर के युद्ध हुए, कबीलों के युद्ध हुए, और पिछली शताब्दियों के इतिहास तो युद्धों के इतिहास हैं। अब इसमें आप ये सोच सकें कि कोई किसी को धोखा नहीं देगा तो क्या करेगा, ऐसी हालत में तो ऐसा ही है। पर ये तो हुई हमारी एक प्रवृत्ति जो धीरे धीरे हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाते हुए यहाँ तक लाई है, चाहे वो कितनी भी निगेटिव हो। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे मौक़ों पर भी हम छोटे छोटे धोखे देते रहते हैं और इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमें याद आता है कि जब हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो फीस डे के दिन बस फीस जमा होता था, उसके बाद छुट्टी हो जाती थी। अब ऐसे में हमारे कुछ मित्रों में ऐसा होता था कि भाई अब छुट्टी का दिन है क्या करें, तो सिनेमा देख लेते हैं। अब उस ज़माने में सिनेमा देखने की इतनी इजाज़त नहीं हुआ करती थी कि आप कहीं चले जाओ सिनेमा देख लें। तो अब घर वालों को धोखा तो देना था, तो क्या करते थे? यही कि आज क्रिकेट का मैच है, आज देर में आएंगे, और बच्चा पार्टी जो है वो सिनेमा देख रही है, घर वालों को पता है कि बच्चा मैच खेल रहा है। तो ये छोटी मोटी हरकतें इस तरह की होती थी। घरों में भी हम छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं, बच्चों को धोखा दे देते हैं, अरे तुम्हारे लिए कल ऐसी चीज़ लाएंगे, और हम भूल जाते हैं, और अगर तुम पढ़ लोगे तो ऐसा कर देंगे। तो पूरे जीवन में लगातार अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हम ऑफिस में कह देते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और हम नहीं जाते, कई सारे ऐसी बहानेबाजियाँ कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये छोटे मोटे धोखे ही तो हैं और हम इस पर कभी इतराज़ नहीं करते। हाँ ठीक है, ऐसा ज़रूरी था इसलिए किया। आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में दिखाता है कि एक हीरो जो है, जो नायक है, वो हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के काम करता है। वो अपने दोस्तों की गाड़ियाँ लेता है, अच्छे अच्छे कपड़े लेता है, और कुछ पैसे वैसे भी उधार लेता है, और हीरोइन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और वो इम्प्रेस कर भी ले जाता है। बहुत बाद में जाकर आखिर में ये बात खुलती है, और जब खुलती है तो जो नायिका है वो बहुत नाराज़ हो जाती है। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब तुमसे मेरी नहीं बनेगी। लेकिन तब नायक कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं तुमको खो देता। और हम सब क्या करते हैं? हम सब सिनेमा हॉल में बैठे नायक को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर भी वो प्रवृत्तियाँ हैं, और हमको जब वो छवि दिखाई देती है हम उसके समर्थक हो जाते हैं। नायिका को भी लगता है कि चलो इसने कम से कम मेरी चाहत में तो इसने धोखा दिया ना भाई, मुझे पाने के लिए इसने ऐसा किया है, ये प्रेम की पराकाष्ठ है। और फिर नायिका नायक को माफ़ कर देती है, और हम लोग तो वैसे ही माफ़ किए बैठे हैं। तो ये सामान्य जीवन में भी आप देखेंगे कि हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो हमारे अंदर नहीं है, तो हम धोखा तो दे रहे हैं ना। एडवर्टीजमेंट की पूरी दुनिया किस चीज़ पर टिकी है?
आपको बताया जाता है कि आप ये क्रीम लगाएं और आप गोरे हो जाएंगे, और आप क्रीम खरीदते हैं। गोरे होने का तो पता नहीं भाई, लेकिन आपको बताया ऐसा ही जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में, आम जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे बिजनेस में, छोटे छोटे व्यवहार में हम इन चीज़ों को देखते हैं, पर हम उसको नोटिस नहीं करते। नोटिस कब करते हैं? जब बहुत पर्सनल लेवल पर कोई ऐसी चीज़ होती है और हमें लगता है ओहो मैंने उस पर इतना विश्वास किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। एक बहुत ही मौजू कहानी स्टीव जॉब के जीवन से है। स्टीव ने बिल गेट्स पर आरोप लगाया था कि जब एक आइडिया वो उनसे शेयर कर रहे थे, पहले वो दोनों मित्र थे, तो चालाकी से बिल गेट्स ने उसको एक्सक्यूट कर दिया और बेचारे स्टीव सोचते रह गए कि इसको हम एक्सक्यूट करेंगे, और इस वजह से दोनों में मनमुटाव हो गया, दोस्ती थोड़ी तलखी में बदल गई। वही स्टीव जॉब ने स्टीव वाइजनर के साथ क्या किया, जब वो स्ट्रगलिंग पीरियड में थे तो उन्हें छोटा सा काम मिला था, और काम ये था कि किसी गेम की सर्किट कुछ कम करनी थी, तो उन्होंने वाइजनर से कहा कि देखो यार इसको कर लेते हैं और इसमें अच्छा सा पैसा मिल जाएगा, $700 करीब इसमें हमें मिलेगा, तो हम लोग आधा आधा मार लेंगे। स्टीव ने कहा बिल्कुल ठीक। स्टीव ने फटाफट, स्टीव तो वैसे भी वैज्ञानिक माइंड के आदमी थे और कंप्यूटर साइंस के तो मास्टर थे, तो उन्होंने फटाफट इसको कर दिया और फिर आधा आधा हिस्सा तो बढ़ गया। बाद में वाइजनर को पता चला कि स्टीव जॉब को तो इस बात के लिए $5,000 मिला था और स्टीव ने उनसे झूठ बोला था। स्टीव जॉब को $5,000 मिले और उन्होंने $350 वाइजनर को दिया। नेचुरली धोखा तो है, दुख तो हुआ होगा, लेकिन बावजूद इसके दोनों में वो जो कॉपरेशन की प्रवृत्ति, जब हम कभी बहुत मुश्किल में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत छोटापन डेवलप होने लगता है, गरीबी में, किसी बेचारगी में, किसी लाचारगी में, इन्फीरियरिटी में, और कभी कभी इनसिक्योरिटी में हम छोटे स्टेप उठा लेते हैं। ऐसा स्टीव के साथ हुआ होगा, लेकिन कहानी इससे बड़ी है, क्योंकि स्टीव जॉब और स्टीव वाइजनर लगातार दोस्त बने रहे और इसीलिए एप्पल की कहानी महान कहानी है। पर वही स्टीव जॉब के साथ क्या हुआ आगे चल के, जब वो केली को लेकर आए एप्पल में, उन्होंने सोचा कि ये मार्केटिंग का आदमी है, ये बहुत अच्छा करेगा, और केली ने क्या किया, स्टीव जॉब को ही बाहर का रास्ता दिखाया। क्या है जिंदगी, स्टीव जॉब जब वापस लौटकर एप्पल में आए तो उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, और तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आर्च राइवल बिल गेट्स को फ़ोन किया। पहला कॉल जो उन्होंने किया वो बिल गेट्स को किया और कहा कि अगर एप्पल ही नहीं रहेगा तो तुम मुकाबला किससे करोगे। और वो बिल गेट्स जिन पर स्टीव ने यह आरोप लगाया था उनकी चीज़ें चुराने का, उन्हीं बिल गेट्स ने एप्पल में एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की। तो ये है ज़िंदगी की कहानी, कभी किसी पर दोषारोपण, कभी किसी का सहयोग, ऐसे ही तो है। कई बार हमको लगता है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे धोखे पर ही निर्भर करते हैं। आप इतिहास में यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण के बारे में आप जानते होंगे, आप जर्मनी के एकीकरण के बारे में जानते होंगे, आप भारतीय संघ के एकीकरण के बारे में जानते होंगे, तो क्या सब सीधे साधे संत तरीके से हुआ है ये? इटली के एकीकरण का जो एक महान नायक था काउंट काबूर, उसने एक बार कहा था कि इस यूनिफिकेशन के लिए जो कुछ भी किया गया है अगर कोई इंडिविजुअल आदमी अपने लिए करे तो महापापी होगा। तो क्या एक बड़े उद्देश्य के लिए बहुत बड़ी धोखेबाजियां की जा सकती हैं? मैं ये सब सवाल आप पर छोड़ता हूं, पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसा हुआ है और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक व्यक्तिगत संबंधों में जो धोखेबाजी होती है, जो डिच किया जाता है, उससे हमको बहुत तकलीफ होती है। तो हमको तकलीफ इतनी क्यों होती है? ऐसा तो नहीं है हमारा बहुत बड़ा जीवन कोऑपरेशन और सहयोग का ही है? हम एक फैमिली में पैदा होते हैं, उसमें हमें सहयोग मिलता है, हमें एक समाज में सहयोग मिलता है, हमें दोस्तों से सहयोग मिलता है, धोखे भी मिलते हैं लेकिन कोऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा मिलता है, फिर हमें धोखे ही क्यों याद रहते हैं? असल में ऐसा होता है कि धोखे से एक पेन पैदा होता है, एक दर्द पैदा होता है, और दर्द की वजह से वो चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। जब हमें चोट लगता है तो क्या होता है, एक निशान बन जाता है ना, और निशान हमेशा याद दिलाता है कि चोट लगी थी।
आदमी के जीवन में दर्द सबसे ज़्यादा याद आता है। खुशियाँ तो आप जिस समय खुश रहते हैं उसके बाद भूल जाती हैं, लेकिन दर्द हमेशा याद रहता है। इसीलिए हम कोऑपरेशन और सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा पेन को याद रखते हैं, और इसीलिए धोखा जो है हमें बहुत याद रहता है। फलाने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया, इसने दे दिया, और कौन? दुनिया वाले। और ये दुनिया वाले कौन हैं, आइए इसको भी समझ लेते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि दुनिया वाले मुझे धोखा दे रहे हैं, तो मैं यहाँ हूँ और मुझसे अलग जितने सारे लोग हैं वो पूरी दुनिया हो गई। अब दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। आप एक दिन स्टेटमेंट देते हैं, दुनिया वाले बड़े धोखेबाज हैं। अब इसमें कौन है? अब आप एक अलग एंटिटी हैं, आपको धोखा मिला है, और जो दुनिया वाले हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। फिर एक तीसरा आदमी है, उसके साथ भी ऐसा होता है। वो कहता है दुनिया बहुत ख़राब है, दुनिया वाले ऐसा करते हैं। अब उसमें वो अकेला पड़ गया है। अब दुनिया वाले कौन है? अब उस दुनिया वाले चाहे जो भी हों, लेकिन उसमें हम और आप भी शामिल हो गए। तो हम सब लोग एक दूसरे के लिए तो दुनिया वाले ही हैं। तो फिर क्या हम सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? फिर आप बहुत गहराई से देखें तो सरकारें, कंपनियां, समाज, इन सब में आपको दिखाई देगा। इवन कि जो पत्रकार हैं जिनको सच्ची सूचना पहुंचानी है वो भी मैनिपुलेशन करते हैं। तो आप किसी इंडिविजुअल से शिकायत क्यों करते हैं? पूरा माहौल ही ऐसा है। जिन्हें सच्चाई बतानी है वही आपको कुछ और बता के निकल जाते हैं। असल में इसको ऐसे समझना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज़ें बदलती रहती हैं। तो रिश्ते क्यों स्थायी रहेंगे? रिश्ते भी तो बदलेंगे, हम सब बदलते रहते हैं। हम एक नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी ले लेते हैं। हम एक शहर छोड़ते हैं, दूसरे शहर चले जाते हैं। हम एक देश छोड़ते हैं, दूसरे देश चले जाते हैं, अपने इंटरेस्ट में। तो ये तय है कि हम अपने इंटरेस्ट में ही काम करते हैं। उसमें कोऑपरेशन भी मिलता है और उसमें हमको बिट्रेल भी मिलता है, पर हम बिट्रेल को ज़्यादा याद करते हैं। तो जब कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहने वाली है तो हम किसी रिश्ते को लेकर इतने ज़्यादा क्यों इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं नहीं वो तो हमेशा होना चाहिए। जैसे सभी चीज़ें बदलती हैं, वो रिश्ता आज है कल नहीं भी रह सकता है। अगर मैं किसी के इंटरेस्ट में बना हुआ हूँ तो नेचुरल है कि वो हमसे रिश्ता रखेगा। अगर मैं किसी के इंटरेस्ट में कभी नहीं आता हूँ या कहीं नहीं आता हूँ तो मुझसे रिश्ता क्यों रखेगा? और अगर कभी भी ये सिचुएशन बदल जाती है तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है कि वो हमसे मुंह मोड़ लेगा। पर दुनिया की ये बड़ी कहानी धोखे की कहानी ही नहीं है, ये कोऑपरेशन की भी कहानी है। और सबसे ज़्यादा बढ़ के तो कोऑपरेशन की ही कहानी है, सहयोग की ही कहानी है। धोखा तो इसमें बहुत कम है, बहुत थोड़ा है। और इस बात के बहुत गहरे प्रमाण हैं कि जो भी समाज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है उसमें इस तरह की घटनाएं, बिट्रेयल की या धोखेबाजी की घटनाएं अपने आप कम होने लगती हैं, क्योंकि उस समाज में इनसिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है। अभी हम लोगों ने एक सूचना पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, कि फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज का देश है, छोटा सा ही देश है, लेकिन वहाँ करीब 200 साल बाद एक चोरी की घटना हुई। और चोरी कैसी? एक ब्रेड की चोरी हुई। तो 200 साल से किसी को चोरी करने की ज़रूरत तो नहीं थी, क्यों? उनका समाज इतना गहरा, इतना अच्छा बना हुआ है कि इसकी बिट्रेयल की, धोखे की ज़रूरत ही नहीं। हो सकता है मनोवैज्ञानिक रूप से या इमोशनल रूप से कहीं ये सब घटनाएं घटती हुई, लेकिन जिस पर पुलिस की रिपोर्ट लिखी जाती है ऐसी कोई घटना वहाँ 200 सालों में नहीं घटी। ऐसे और भी कई सारे देश हैं। तो निश्चित रूप से ये बात तो समझ में आती है कि जहाँ समाज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वहाँ ये घटनाएं कम होने लगती हैं। और इसीलिए शायद हम सबको इस बात के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए कि हमारा समाज एक बेहतर समाज बने। हम एक अच्छे इंसान बने वो तो एक अलग बात है, लेकिन समाज बहुत बेहतर बनना चाहिए ताकि किसी को किसी से ऐसी शिकायत ना हो कि उसने मुझे धोखा दिया। तो मुझे लगता है कि समाज में जो कुछ भी पाना है उसके लिए कोऑपरेशन और सहयोग जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी मक्कारी नहीं है। और जितना कुछ आप सहयोग से पा सकते हैं मक्कारी से तो कदापि नहीं। पर फिर भी ऐसा होता है कई बार कि कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमको प्रभावित करती हैं और सिचुएशन की वजह से हम ऐसी मुश्किलों में पड़ जाते हैं। ये कहावत कही जाती है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। तो अगर कहीं मोहब्बत है और कहीं जंग हो रही है तो धोखेबाजी की घटनाएं तो होंगी। ऐसी सिचुएशन में आपको तय करना है कि आप कहाँ खड़े हैं,
वार में कि प्यार में।